अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के एक और महत्वपूर्ण गुण, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। यह भी रासायनिक अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण गुण है जो कि हमें रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने में मदद करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज, चाहे वह अणु हो, परमाणु हो या फिर आयन हो, उनकी संख्या जो कि आपस में संघट्ट करके रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं या हम कहें कि प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उन प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली एलिमेंट्री स्टेप्स में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। यहाँ पर यदि कोई एक ही मॉलिक्यूल है, केवल एक ही अभिकारक है और उसका एक ही अणु आप यहाँ पर प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एक अणु अभिक्रिया कहेंगे, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। लेकिन ये जो अभिक्रिया है वह प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए, वन स्टेप अभिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि आणविकता हमेशा एक प्रथम को स्टेप में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए ही दी जाती है। यदि मल्टीपल रिएक्शंस हैं यानी कि जटिल अभिक्रियाएं हैं उनके लिए हम किसी उसकी आणविकता का को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये इस तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया को कई वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि ये है आपकी यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन या एक अणुक अभिक्रिया। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की अभिक्रिया में केवल एक ही अणु भाग लेगा। यहाँ पर उदाहरण हम से देख सकते हैं अमोनियम नाइट्राइड का वियोजन। अमोनियम नाइट्राइड का वियोजन होता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और जल बनता है। यदि हम इसके लिए रेट लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो ये हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू K अमोनियम नाइट्राइड, इसकी कंसंट्रेशन की घात 1, है ना, इसकी घात जो होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया है वह और ये जो हम प्राप्त करते हैं ये हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि एक ही अणु क्रिया में भाग ले रहा है और यह जो क्रिया है वह एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए इसकी मॉलिक्युलैरिटी भी कैसी होगी, 1 होगी। इसी तरह से हम देखें दूसरा एग्जांपल, यह है बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन, द्वि अणु अभिक्रिया। इसका उदाहरण ले सकते हैं जैसे 2 मोल HI के वियोजित होकर आयोडीन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 1 मोल बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया है कि जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वह यहाँ पर जो हम लिखते हैं वह R इज इक्वल टू HI की पावर 2 के बराबर होती है, यानी कि इसकी जो रेट है जो कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता करते हैं वह 2 है। यह द्वि अणु अभिक्रिया है और चूंकि यह एक प्राइमरी अभिक्रिया है, वन स्टेप रिएक्शन है, इसलिए इसके अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या चूंकि यहाँ पर 2 दिख रही है तो इसलिए इसकी आणविकता भी 2 होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं वहाँ पर जो आपको अभिक्रिया की कोटि दिखाई दे रही है वही अभिक्रिया की आणविकता भी दिखाई दे रही है। इसी तरह से यदि 3 अणु भाग ले रहे हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे त्रि अणु अभिक्रिया। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, यहाँ पर 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करते हैं और 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनाते हैं। यह भी वन स्टेप रिएक्शन है, प्राथमिक अभिक्रिया है और इसकी प्रयोगों के द्वारा जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली गई है वह होती है यह नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 घातांक के बराबर और ऑक्सीजन के 1 घातांक के बराबर होती है। तो इस तरह से 2+1 यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 3 आ जाती है।
और यहाँ पर आप देखें यहाँ क्योंकि ये वन स्टेप रिएक्शन है इसलिए इसमें भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या भी 2+1 यानी कि 3 होगी। तो यहाँ पर हम देखें जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं वहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि होती है वही अभिक्रिया की आणविकता होती है। यदि हम इसके बाद यानी कि 3 से अधिक अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रिया को देखें तो ऐसी अभिक्रियाएं बहुत ही रेयर या बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो कोलिजन थ्योरी है वो यह कहती है कि 3 से अधिक अणुओं का आपस में सही दिशा में सही डायरेक्शन में संघट्ट करके प्रोडक्ट बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो यहाँ पर एक कोलिजन की मात्रा यानी इंटरैक्शन की एक सीमा होनी चाहिए तभी वो आपस में मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण कर पाते हैं। और जब हम देखें कि 3 अणुओं की तक ये अधिकतम होती है और उसके बाद देखें कि 3 से अधिक यदि अणु हैं तो उनमें कोलिजन की सीमा कम हो जाती है और इस तरह से ये सही डायरेक्शन में है ना, क्योंकि डायरेक्शन भी सही होना चाहिए और संघट्ट की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए तभी अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं। तो इस तरह से ये जो 3 अणुओं के बाद अधिक अणुओं की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स अभिक्रियाएं या जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं और यह माना जाता है कि ये अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं नहीं होती बल्कि ये 1 से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं NO2+CO=NO+CO2। यह अभिक्रिया देखकर हमें लग रही है कि यह एक प्राथमिक अभिक्रिया होगी लेकिन प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि यह अभिक्रिया कई पदों में पूर्ण होती है और एक्सपेरिमेंटल जो इसका ऑर्डर निकाला गया है वह होता है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सांद्रता के 2 घातांक के बराबर होता है, यानी कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यह नाइट्रोजन की सांद्रता के 2 घात से प्रभावित होती है ये और इसकी जो ऑर्डर है वह 2 होती है। और इसकी लेकिन चूंकि ये एक जटिल अभिक्रिया है कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया है और 1 से अधिक पदों में पूर्ण होती है इसलिए हम इस अभिक्रिया को देखकर इसकी आणविकता को परिभाषित नहीं कर सकते, इसकी आणविकता के बारे में हम नहीं जान सकते। ये किसी जो कॉम्प्लेक्स अभिक्रियाएं हैं उनकी आणविकता के बारे में जानने के लिए हमें उसकी क्रियाविधि को जानना होगा, उसके वो कितने पदों में हो रही है, कौन सा पद उसमें तीव्र गति से होता है, कौन सा पद उसमें धीमी गति से हो रहा है, ये हमें जानना आवश्यक होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 4 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करते हैं और यहाँ पर जल तथा ब्रोमीन का निर्माण कर रहे हैं। यह अभिक्रिया चूंकि 4 अणुओं के रूप में आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर जब 3 से अधिक अणु दिख रहे हों तो ऐसी अभिक्रिया के लिए यह माना जाता है कि ये अभिक्रियाएं कई पदों में होंगी यानी कि ये एक जटिल अभिक्रिया होगी। यहाँ पर हम देखें कि ये जो अभिक्रिया होती है इसमें सबसे ये 4 पदों में पूर्ण होती है, सबसे पहले हाइड्रोजन ब्रोमाइड का 1 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से क्रिया करता है और यहाँ पर HOOBr ब्रोमस अम्ल का निर्माण करता है, फिर यह जो ब्रोमस अम्ल है वह हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 1 दूसरे अणु से क्रिया करता है और यहाँ पर HOBr के 2 अणु बनाता है। अब तीसरे स्टेप में यह इसमें HOBr का 1 अणु फिर से तीसरे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अणु से क्रिया करता है और यहाँ पर जल का 1 अणु और ब्रोमीन का 1 अणु बनाता है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारे पास और बचा हुआ है तो चौथे स्टेप में ये जो यहाँ पर 2 HOBr बने हुए थे उसमें भी 1 HOBr अणु अभी बचा हुआ है तो चौथे स्टेप में पुनः ये HOBr अणु चौथे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अणु से क्रिया करता है और जल का 1 अणु तथा ब्रोमीन का 1 अणु बनाता है। जब हम चारों
प्राथमिक, ये सभी अभिक्रियाएं प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों ओर जो स्पीसीज हमको दिखते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर एच ओ बी आर कैंसिल हो जाएगा, एच बी आर भी, दोनों यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचते हैं चार हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अणु बचते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4HBr प्लस ऑक्सीजन का एक अणु है, तो यहाँ पर O2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर दो जल के अणु दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2H2O प्लस Br2। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि यह चार पदों में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया है। इसमें से जो प्रथम पद है वह सबसे धीमी गति से होने वाला पद है, और इस तरह से यदि हम इस अभिक्रिया की ऑर्डर निकालें, यह अभिक्रिया की कोटि निकालें, तो हम इसे प्रथम पद के द्वारा ही निकालते हैं, और यहाँ पर जो इसका प्रथम पद है वह इसके अनुसार प्रायोगिक तौर पर देखा जाए तो इसका जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, वह 2 आती है, और उसी तरह से चूँकि यह एक प्राइमरी अभिक्रिया है और इसलिए इसमें चूंकि 2 अणु भाग लेते हैं, एक HBr का अणु और एक ऑक्सीजन का अणु, तो इसलिए इसकी आणविकता भी 2 होगी। तो इस तरह से हम देखें जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं उसमें सबसे मंद पद के द्वारा हम अभिक्रिया की आणविकता पता करते हैं, और मंद पद के द्वारा ही हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करते हैं, और इसीलिए इस अभिक्रिया को हम दर निर्धारक पद, अभिक्रिया के लिए दर निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इस तरह विभिन्न उदाहरणों के आधार पर हम अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में मुख्य अंतर समझ सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि यह एक प्रायोगिक मात्रा है जिसे हम केवल प्रयोगों के आधार पर ही निर्धारित करते हैं, और जो अभिक्रिया की आणविकता है वह भी केवल प्राथमिक अभिक्रिया के आधार पर निर्धारित की जाती है। दूसरी ओर हम देखें अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, कोई पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, या फिर ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य या भिन्नात्मक नहीं होती, यह हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। इसी तरह से जो अभिक्रिया की कोटि है वह हम प्राथमिक अभिक्रिया के लिए भी और जटिल अभिक्रिया दोनों के लिए हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता हम जटिल अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित नहीं कर सकते, ये हम केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही परिभाषित कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि जो अभिक्रिया की कोटि है वह यदि मल्टीपल अभिक्रियाएं हैं, मल्टीपल स्टेप में होने वाली अभिक्रिया हैं, तो वहां पर अभिक्रिया की कोटि सबसे मंद पद के द्वारा निर्धारित की जाती है। अभिक्रिया की आणविकता भी उसी मंद पद के द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि वही जो होती है वह प्राथमिक अभिक्रिया होती है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता दोनों ही प्राथमिक अभिक्रिया के लिए समान होती हैं। यानी कि अभिक्रिया यदि प्राथमिक अभिक्रिया है, वन स्टेप अभिक्रिया है, तो वहाँ पर अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, जिसे हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझ गए हैं। आइए अब हम जानते हैं समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हमने सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण ज्ञात करना सीख लिया है, जिसे हम अवकल वेग समीकरण कहते हैं। लेकिन इस तरह से जब हम तात्कालिक वेग ज्ञात करते हैं तो उसमें कठिनाई आती है, उसमें काफी लंबा समय लगता है, क्योंकि जब हम तात्कालिक वेग निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वक्र खींचते हैं सांद्रता और समय के बीच, और उसमें किसी बिंदु टी पर
एक उस वक्र पर स्पर्शजा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, फिर उस टेंजेंट की स्लोप जो कि टेन थीटा के बराबर होती है वह ज्ञात करते हैं, और उसके आधार पर जो टेंजेंट है उसके स्लोप का परिणाम निकालकर फिर हम तात्कालिक दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, और इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमारे पास जो वेग नियम, वेग समीकरण होता है, उसका हम समाकलन करके एक नया समाकलित दर समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ प्राप्त कर लेते हैं, और इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ के आधार पर हम सीधे ही जो हमारे पास प्रायोगिक आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनका उपयोग करके हम किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा सांद्रता के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वह हमें किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सांद्रता के बीच संबंध ज्ञात करने में सहायता करता है। और अब चूंकि हम जानते हैं कि जो अभिक्रियाएं हैं वो भिन्न भिन्न कोटि की हैं, तो इसलिए भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण भी भिन्न भिन्न होंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जैसे कि हम जान चुके हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं कि इनका जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यदि हम इसके लिए ग्राफ खींचे तो हम देखें कि जब हम अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो ये जो लाइन आती है वो बिल्कुल मुख्य एक्स अक्ष के समानांतर आती है, जो यह दर्शाती है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास अभिकारक ए है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इसके लिए रेट लॉ हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर रेट समानुपाती होती है ए की सांद्रता के शून्य घात के, समानुपात हटा देने पर हमारे पास आता है रेट आर इज इक्वल टू के ए की घात शून्य के। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो रेट है ना, दर है अभिक्रिया की दर, उसको हम एक और प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, वो होता है आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी। तो यहाँ पर आप देखें, इसे हम ऊपर वाले समीकरण को इक्वेशन वन दे देते हैं, नीचे वाले को दो दे सकते हैं। अब इन दोनों समीकरण में देखें कि दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाते हैं, इसलिए इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो समीकरण एक और समीकरण दो को मिला देने पर हमारे पास जो समीकरण आ जाता है वो हो जाता है माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा के। इस समीकरण में, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, यहाँ पर डी टी को हमने इस तरफ से पक्षांतर कर दिया है। अब यहाँ पर चूंकि रेट यहाँ पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों ओर माइनस का गुणा कर देंगे, जिससे कि जो माइनस है वो हमें दाएं तरफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये जो इक्वेशन मिला है हमें, इसका अब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए यहाँ पर हम समाकलन डी ए इज इक्वल टू के, क्योंकि एक स्थिरांक है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, यहाँ पर होगा समाकलन डी टी का समाकलन करेंगे। और इस तरह से हम देखें कि जब हम समाकलन करते हैं तो यहाँ पर कुछ फार्मूले जो आपको उपयोग में आएंगे ये हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले एक जो सूत्र होगा समाकलन के लिए वो होगा, समाकलन यदि हम डी एक्स बाय डी टी का कर रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा ln x के, और ln यहाँ पर होता है, ये नेचुरल लॉग है जिसे हम 10 के e के आधार पर लॉग भी कहते हैं। इसी तरह से यदि हम समाकलन dx का करते हैं तो dx का समाकलन x के बराबर होता है।
इसी तरह से एक और सूत्र हम जान लेते हैं, ln a माइनस ln b, ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसको हम ln a बाई बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जब हम ln यानी कि नेचुरल लॉग 10e के आधार पर लॉग को जब हम 10 के आधार पर लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम इसमें 2.303 का गुणा कर देते हैं, यानी कि ln नेचुरल लॉग इज इक्वल टू होगा 2.303 लॉग के। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समीकरण में जब हम समाकलित दर व्यंजक निकालते हैं तो उसका उपयोग हम इसका करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समाकलन dA का करना है, जब dA का हम समाकलन करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये a के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस k, ये कॉन्स्टेंट है। उसी तरह से जब हम dT का समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, t। साथ ही यहाँ पर प्लस आई हम लगाएंगे, जिसे हम आई जो यहाँ पर है वह है समाकलन स्थिरांक। अब ये जो सूत्र आपको प्राप्त हुआ है, यह यहाँ पर जो समय है वो टी है और सांद्रता ए के बराबर है। यही जब हम इनिशियल लें, यानी कि जब टी शून्य के बराबर हो, यानी कि समय जो है वह शून्य हो, तब उस समय जो सांद्रता होगी उसे हम ए नॉट के द्वारा दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर अब हम जो समीकरण तीन हमारा मिला है उसमें हम टी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों वहाँ पर रख देते हैं, तो हमें समीकरण क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो, क्योंकि टी जीरो है, प्लस आई। तो यहाँ पर के इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू आई, ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया। और इस तरह से यहाँ पर a की वैल्यू i की वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि समाकलन स्थिरांक की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस i की वैल्यू को हम समीकरण तीन में रखते हैं, समीकरण तीन में जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a की कंसंट्रेशन a नॉट। तो यहाँ पर अब देखिए इसे हम समीकरण चार लिख देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या चीज़ दर्शाती है, तो यहाँ पर जो ए नॉट आपको दिख रहा है वह है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा ए जो है वो आपको दिख रहा है वह है किसी टी समय पर अभिकारक की सांद्रता, के जो है वह वेग स्थिरांक है, तथा टी यहाँ पर वह समय है जितने समय में इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नॉट ए फाइनल कंसंट्रेशन या टी समय पर जो कंसंट्रेशन है ए में कन्वर्ट होती है। तो ये चार अलग अलग चीजें हैं। और ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है इसे हम और चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर यदि हम के टी को इस तरफ ले आए तो ये के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए, या इसे हम k इज इक्वल टू करें तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a बाय टी। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है यह शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण या समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को किसी भी समीकरण की जब हम सत्यता प्रमाणित करते हैं तो हम उसे सरल रेखा समीकरण के द्वारा उसकी समतुल्यता को नापते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ये जो हमें समीकरण चार प्राप्त हुआ है a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये समीकरण को आप देखें तो यह y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो सरल रेखा समीकरण है उसके बिल्कुल समतुल्य है। और इस तरह से जब हम y एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ a यानी कि ले और यहाँ पर x अक्ष पर यानी कि जो x है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं t के समतुल्य है, तो x अक्ष पर t समय को लेकर जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर आप देखें एक जो लाइन मिल रही है वो नेगेटिव वक्र हमें प्राप्त होता है। और नेगेटिव वक्र जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन में माइनस k है, है ना, तो जो नेगेटिव वक्र है वो माइनस के की वैल्यू हमें दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें ये जो इंटरसेक्ट दिख रहा है अंतःखंड दिख रहा है वह हमें सी यानी कि ए नॉट की वैल्यू को दर्शाता है।
तो इस तरह से यहाँ पर ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित दर समीकरण है वह बिल्कुल सरल रेखा के समतुल्य है, और इस तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है। आइए अब हम शून्य कोटि अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण जानते हैं। शून्य कोटि अभिक्रियाएं कुछ असामान्य होती हैं और खासकर विशेष परिस्थितियों में ये हमें दिखाई देती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कुछ एंजाइमिक अभिक्रियाएं जो शरीर के अंदर जंतुओं के शरीर के अंदर होती हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं वो भी शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर न करके यह प्रकाश के ऊपर या प्रकाश के फोटोनों के नंबर ऑफ फोटोन पर ये निर्भर करती है। इसी तरह से जो धातुओं की सतह पर होने वाली उत्प्रेरक अभिक्रियाएं हैं वो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया का प्लैटिनम की उत्प्रेरक की सतह पर अमोनिया का जो वियोजन होता है उच्च दाब पर वह और अमोनिया अपघटित होकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यह अभिक्रिया भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर जो अमोनिया है वह प्लैटिनम की सतह पर अधिशोषित की जाती है, और एक बार जब अमोनिया प्लैटिनम की सतह पर पूरी तरह से अधिशोषित हो जाती है उसके बाद हम बाकी परिस्थितियों में यदि कुछ भी परिवर्तन करें तो वहां पर अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से अमोनिया की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है, और इस दृष्टि से यह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। और हम जानते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यानी कि जो वेग स्थिरांक होगा वो किसके बराबर होगा, के अमोनिया की सांद्रता के शून्य घात यानी कि वेग जो है वह के इक्वल होगा। इसी अभिक्रिया में एक इसका और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन आयोडाइड का स्वर्ण सतह पर गोल्ड की सतह पर होने वाला वियोजन, यह भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जैसे कि हमने जाना प्रथम कोटि अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक यदि a है तो उसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, यानी कि अभिकारक यदि a है और यह कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट b बनाता है तो वहां पर अभिक्रिया की दर यानी कि r समानुपाती होती है a के सांद्रता के एक घात के। और यदि हम यहाँ पर ए की सांद्रता और रेट ऑफ रिएक्शन तथा ए की सांद्रता के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस तरह से एक बढ़ती हुई रेखा सरल रेखा प्राप्त होती है जो यह दर्शाती है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। यहाँ पर हम पुनः दर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी के द्वारा, और चूंकि समीकरण एक और समीकरण दो दोनों ही दर को अभिक्रिया की दर को दर्शाते हैं इसलिए हम समीकरण एक और दो दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमें समीकरण प्राप्त होगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के एक की सांद्रता की घात एक। यहाँ पर पुनः हम माइनस से दोनों ओर गुणा करेंगे और गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक की घात ए। अब यहाँ पर
ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर अब इसे हम यहाँ पर dt को पक्षांतर कर देते हैं तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा dA by A is equal to minus k dt। इस समीकरण का अब हम समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर हमें जो समीकरण मिल रहा है वह है dA by A is equal to minus k, क्योंकि k एक स्थिरांक है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, और समाकलन dt। अब हमने जाना है कि जो dA by A इसका जो समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, ln a के बराबर होगा, तथा is equal to हो जाएगा minus k, और dt का समाकलन हमें t प्राप्त होगा, प्लस हम करेंगे i जो कि एक समाकलन स्थिरांक है और जिसका मान हम यहाँ पर आगे सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी समीकरण को यदि हम यहाँ पर t बराबर शून्य रखें, जब समय शून्य है यानी कि अभिक्रिया के प्रारंभ में t इज इक्वल टू जीरो है और a जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट के बराबर है। अब यहाँ पर दोनों के मान t और a दोनों के मान हम समीकरण तीन में रखते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस k इंटू जीरो इंटू i। यहाँ पर फिर से यहाँ पर ले तो यहाँ प्राप्त होगा ln a जीरो इज इक्वल टू i, और यहाँ पर आप देखिए कि हमें i की वैल्यू प्राप्त हो गई है और इस i की वैल्यू को हम पुनः समीकरण तीन में रखेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट, या इसी को यदि हम यहाँ पर kt इज इक्वल टू करें तो kt इस तरफ आ जाएगा तो kt इज इक्वल टू हो जाएगा ln a नॉट माइनस ln a, या kt इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ln को कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा ln a नॉट बाई a। अब हम जानते हैं कि जो नेचुरल लॉग है ln है, जब हम उसको 10 की आधार पर लॉग में परिवर्तित करते हैं तो वहां पर हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर लिख दें तो हमें इक्वेशन मिलेगा kt इज इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाई a, या यहां पर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 बाई t log a नॉट बाई a। तो इस तरह से यहाँ पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है वहाँ पर जो a नॉट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है a नॉट जो है वह अभिक्रिया की अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दर्शाता है, जबकि a जो है वह t समय के पश्चात बची हुई अभिकारक की सांद्रता को दर्शाता है, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को यहाँ पर ये दर्शाता है। और ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है वह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक, समाकलित वेग स्थिरांक व्यंजक। यहाँ पर जिसे यहाँ देखें कि मान लीजिए इसे एक और प्रकार से हम लिख सकते हैं, मान लीजिए अभिकारक ए है और यह प्रोडक्ट बना रहा है तो टी जब जीरो है इनिशियल टाइम पर, मान लीजिए ए की सांद्रता ए है और तब बी की सांद्रता कितनी होगी, शून्य। वहाँ पर इसी समय कुछ समय के पश्चात जब टाइम टी है ना, t इज इक्वल टू t के बराबर है, तो मान लीजिए कि a की कुछ मात्रा, मान लीजिए x मात्रा b में कन्वर्ट हो गई है तो यहाँ पर b किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, क्योंकि x मात्रा b में कन्वर्ट हुई है, और यहाँ पर जो बची हुई मात्रा होगी a की वो किसके बराबर होगी, वो होगी a माइनस x के बराबर होगी। तो यहाँ पर यदि हम a को 100% माने, यानी कि शुरू में a की जो कंसंट्रेशन है सांद्रता है वो यदि 100% है तो a माइनस x किसके बराबर होगा, वो जितना x b में कन्वर्ट हो गया है उससे बची हुई मात्रा होगी। मान लीजिए 90% x जो है वो b में कन्वर्ट हो गया है तो a माइनस x किसके बराबर होगा, 100 माइनस 90 यानी कि 10% के बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि हम a लिखें या a माइनस x लिखें,
वो क्या दिखाती है, वो अभिकारक की बची हुई रिमेनिंग सांद्रता को दर्शाती है। तो इस तरह से भी हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, यहाँ पर k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए, ऊपर जो है इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे है a माइनस x, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन। a यदि 100% है तो a माइनस x ये किसको दर्शाएगा, 100 माइनस 90% को दर्शाएगा। तो इस तरह से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक लिख सकते हैं।